एनर्जी बनने की वजह प्लेट का इंटरेक्शन है है ना तो उसके थोड़ा सा और तफसल देख लें कि उसमें प्लेट का इंटरेक्शन कैसे होता है जिसकी वजह से इतनी एनर्जी हो जाती है कि कभी वॉल्केकेनोज़ बन जाते हैं कभी जलजला आ जाता है ये सारी चीज़ें फिर उसका पॉजिटिवली हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है नुकसान तो अपनी जगह लेकिन उसका फ़ायदा भी होना चाहिए वरना इस बारे में बात क्यों करें तो ये वो प्लेट्स की जिसकी बात कर रहा था ना कि ऊपर से एक प्लेट आ रही है नीचे से एक आ रही है वो जिसको सबडक्शन कहते हैं कि जो प्लेट है वो उसके नीचे चली गई ऊपर से चल रही है एक प्लेट नीचे से चल रही है प्लेट अब ये प्लेटें का मतलब है कि पूरा पूरा कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है पैसेफिक है सारा जो है ना वो पूरा कॉन्टिनेंट एक दूसरे के नीचे ऊपर नीचे हो रहा है अब उसके आप फ्रिक्शन का अंदाज़ा करें कि कितना फ्रिक्शन होगा कि ये हो इतनी इतनी बड़ी थिक प्लेटें जो है पूरा मेंटल पूरा जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पहले ही नीचे काफ़ी सारी उसमें मौजूद है हीट और उसके अलावा उसको अगर इंटर ये जो फ्रिक्शन की हीट इसको अगर ऐड कर लें तो इतनी सारी हीट हो जाती है कि वो सारी जो ज़मीन जो है अंदर की वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है अब मेल्ट होगी तो यकीन का एक्सपेंशन होगा एक्सपेंशन होगा तो वो सारी चीज़ें बाहर आएंगी जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि आतिश पहाड़ कैसे बनते हैं तो ये तो सब कहानी होगी तो हर जगह ये ज़रूरी नहीं कि आतश पहाड़ हो है ना आतिश पहाड़ हो गया इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो गई एनर्जी बाहर आ गई कहानी ख़त्म लेकिन ऐसा भी होता है कि ये सब चीज़ें जो है अंदर ही अंदर रहें और ये भी हो सकता है कि वो हीट इतनी हो कि उससे मेल्टिंग नहीं हो ही काफ़ी सारी गर्मी हो जाए लेकिन मेल्टिंग ना हो ठीक है तो हीट पॉकेट्स काफ़ी जगह ऐसे होते हैं अब हीट पॉकेट्स वहाँ पे हैं अब ये देखें आप ये ये तो जहाँ पे इस ऐसी इस, सिचुएशन आ गई कि वो हीट इतनी ज़्यादा हो गई कि वो एक्सपेंशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाया तो सारा लावा जो है वो बाहर आ गया ये हवाई की तस्वीर है और अब हवाई में एक दो ऐसी है जो हाँ, सालों से चलते आ रहे हैं ये हवाई आइलैंड बनने का तरीका ये है पहले कुछ भी नहीं था सिर्फ समंदर था समंदर के नीचे से एक आतिश फिशाह पहाड़ निकला उसने ये लावा निकालना शुरू किया उससे छोटे छोटे आइलैंड बन गए अब उनके सारे ये ओहाहू और मावी और ये वो सारे आइलैंड सब सा उनके सिर्फ वॉल्कनोस की वजह से बने पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे सिर्फ पानी का पानी था अब वहाँ लोग रहते हैं बहुत सारे बड़ी खूबसूरत जगह है तो ये लेकिन अगर ये ना हो कि वो सारे चीज़ें बाहर आएँ सब चीज़ें अंदर ही रहें तो क्या होगा फिर ये होता है कि अब बारिश होती है पानी आता है समंदर का पानी आता है किसी तरह का भी पानी आता है वो तो पानी तो नीचे जाना ही है ना अब पानी नीचे गया किसी तरीके से जैसे अपने ये ब्लू जो आपके मैंने एरोस बनाई है यहाँ पे तो पानी गया और वो पानी जैसे ही वो गर्म हिस्से में पहुँचा तो पानी का क्या होगा वो बिल्कुल भाप बन के ऊपर निकल के आ जाता है कभी कभी बहुत वायलेंटली आता है कि एकदम से सब सब फूट गया लेकिन ऊँह में होता है कि चूँकि पानी थोड़ा सा थो, आ, आसान थोड़े थोड़े करके आता है ना क्योंकि काफ़ी डीप है ये फिर भी तो वो सारी ज़मीन से गुजर के पानी आया थोड़ा थोड़ा और जैसे जैसे बनता रहा वो स्टीम बनती रही और स्टीम बाहर आती रही जब स्टीम बाहर आ गई तो खैर है उसके ये ये तरी ये देखें इसकी कहानियाँ कि बाहर जो आ गई वो आ, ये फिलीपींस का है फिलीपींस का मैंने बताया था कि वहाँ पे बहुत सारे आतिश पहाड़ मौजूद हैं और आतिश पहाड़ के अलावा ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर होती हैं बाज़ मरत ये जो गैस निकलती है ना गैस नहीं है स्टीम है अंदर से स्टीम आ रही है लेकिन उसमें काफ़ी दफ़ा सल्फ़र भी होता है हर वॉल्केकैन उसके साथ सल्फर जरूर शामिल होता है वो ज़मीन के मेंटल के अंदर से वो सारा सल्फ़र निकल के आता है तो वो सल्फ़र जो है उसमें उसकी अगर गैस बन गई तो वो काफ़ी पॉइजनस होती है इंडो सल्फ जो हमें जो सल्फ़र लेते हैं ना जैसे मा, जैसे माचिस बनाते हैं उसके अंदर सल्फर है और काफ़ी चीज़ों के लिए जो आप पहले वो बनाते थे गाड़ियों के टायर उनमें सल्फ़र लगता था वो सल्फ़र आता कहाँ से था सारा इंडोनेशिया से आता था और इंडोनेशिया में सारे बहुत सारे वालकैनोज़ हैं इंडोनेशिया में और वो इतने सारे हैं उसमें से, से सल्फर ऐसी स्लैब निकल के आती है पूरी बड़ी बड़ी येलो स्लैब्स काफ़ी डेंजरस प्रोफेशन है तो लोग ऊपर जाते हैं वॉलैनोज में फिर उसको काट के नीचे लाते हैं बहुत सारी उसमें उनको हाथ में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि एसिडिक है ना सल्फर डाइऑक्साइड तो उस और लोग मर जाते हैं सी, आ, लंग्स की उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं लेकिन वहाँ से सल्फर ज़रूर निकल के आता है जिससे सारी दुनिया पर फ़ायदा उठाती है और बहुत सारे देखें ये सारी चीज़ें अब हमारे पास भी एक चीज़ है जिसे कहते हैं मड वॉलकनों ये अगर साउथ में जाएंगे ना बलोचिस्तान वगैरह के अंदर उसमें भी मड वालकैन है वो थोड़ा सा उसका मुख्तलिफ त है वो नीचे से गैस तो आ रही है लेकिन वो उसमें वो बिल्कुल ठंडा होता है उसको हाथ लगाएं तो ऐसे बिल्कुल सर्दी लगती है तो लोग वहाँ जाके लेटते हैं वो सॉयल जो है वो ज़रा सा उसमें मादनियात बहुत ज़्यादा होते हैं तो अपने जिसम पे लगा लेते हैं सारी वो चीज़ें होती हैं लेकिन इसमें गर्मी कोई नहीं होती बिल्कुल ठंडा होता है एक मतलब आज़रबाईजान गया था वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वहाँ पे हैं नेकर पहन के बस उसके अंदर आप बैठ जाएँ एक आध घंटे तक के यहाँ तक बैठे तो सारी जिसम की जो पुरानी चीज़ें होती है ना वो ठीक हो जाती है मसाइल जो थोड़े बहुत मिनरल्स की वजह से लेकिन वो उसका ताल्लुक नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो राइट हैंड साइड पे जो आपको स्टीम नज़र आ रहा है ना इसकी बात कर रहा हूँ कि जो पानी गया उसमें से भाप बन के पानी नीचे आया वो स्टीम बन गई तो वो स्टीम जो ऊपर आई वो तो ज़ाया हो गई उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है हम जो बिजली बनाएंगे वो दूसरे तरीके से बनाएंगे जिसके मैं अभी बता रहा हूँ एक और एग्ज़ाम्पल आपको दे दूँ इसकी इसको कहते हैं ओल्ड फेथफुल ये यूनाइटेड स्टेट्स में है वो ऐसा है कि ये बहुत बड़ा कोई यू नो आप देखें इसकी हाइट पता नहीं आपको अंदाजा हो के नहीं लेकिन 25 30 40 मीटर तक की हाइट इसकी चली जाती है अब वहाँ पे आप खड़े रहें वहाँ पे और टाइम का हिसाब लगा लें वो बिल्कुल फिक्स वक्त में पानी नीचे पहुंचा स्टीम डेवलप हुई इतनी हुई 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 ऊपर पानी है पानी भरा हुआ है थोड़ा थोड़ा पानी गया तो फिर जो इतनी स्टीम डेवलप हुई वो एकदम से वो ये गीज़र गीज़र कहते हैं इनको वो बिल्कुल बिल्कुल ऊपर आता है वो फिर स्टीम और पानी वगैरह सब मिला मिलू के तीस चालीस पचास मीटर की हद तक के चला जाता है कैनेडा में भी हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो ये लेकिन ये एक सिर्फ जियोलॉजिकल प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि इससे अंदाज़ा हो जाए कि ज़मीन के अंदर ये हीट एनर्जी कितनी सारी है बॉल्कनिक एक्शन की वजह से या पेट प्लेट इंटरेक्शन की वजह से सबडक्शन की वजह से तो वो सारी एनर्जी है अब उसको एक सेक्शन में आपको बताऊंगा कि इस एनर्जी को टैप करके इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का तरीक़ा क्या होता है